हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो यहां पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें यहां पर जो है कोऑर्डिनेट्स यानी दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहां पर जो है ट्राइसेक्शन यानी एक लाइन है उसको तीन हिस्से है, उसके बाद क्या है कि ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग यानी लाइन सेगमेंट के जो है दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पर 4, -1 एंड नेक्स्ट वन इज -2, -3। तो किस तरीके से इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो है दो पॉइंट्स हमें देखे हैं, इसको यहाँ पर जो है ए और बी ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट हमें देखे हैं और ये पॉइंट जो है हमें -2, -3। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरीके से हमें जो है ये करना है। अब यहां पर जो है ट्राइसेक्शन हो रहा है तो यहां पर जो है तीन हिस्से करने हैं इसको। तो यहां पर इस तरीके से इस पॉइंट को रखते हैं Px, y और यहां पर Qx, y इस तरीके से, और यहां पर जो है ये तीन जो है ट्राइसेक्शन 1:1 रेशो में जो है कट किए गए हैं। ठीक है, ट्राइसेक्शन है दैट मीन्स इक्वल जो है यहां पर हो जाएंगे। अब यहां पर जो है आपको क्या करना है, आपको ये जो है पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और इसी के साथ जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब किस तरीके से करना है, यहां पर जो है पहले हम पी अगर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सो M1 तो हम ये लेंगे, ठीक है, मगर M2 क्या लेंगे, M2 जो है ये सारा लेना है। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा अब 2, 1+1 हो गया 2, सो M2 का वैल्यू जो है हमें क्या होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर जो है शुरू करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, इसके बराबर होती है, तो ये आप जो है अच्छी तरीके से लर्न करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए से जो है आपको ध्यान रखना है लिखते वक्त कि कहां पर प्लस है कहां पर माइनस है, ठीक है, वो जो है आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। अब यहां पर इसको x1 ये y1 x2 y2 इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है m1 की जगह 1 आएगा, x2 की जगह आएगा हमें -2, इसी तरीके से प्लस, फिर जो है यहां पर इसकी जगह m2 की जगह 2 और इंटू करते हैं x1 जो है हमें 4, नीचे आएगा हमें 1+2, इसी तरीके से यहाँ पर 1 × x जो है यहाँ पर x2 -3 प्लस यहाँ पर जो है 2 × यहाँ पर जो है -1, ऐसे यहाँ पर आ गया 1+2, ये हो गया यहाँ पर -2+8 यहाँ पर 3, इसी तरीके से -3 -2 यहाँ पर 3, तो ये आ गए यहाँ पर 6/3, यहाँ पर आ गया हमें यही -5/3, इसको कैंसिलेशन 3 1 r 3 2 r, तो हमें क्या आ गया यहाँ पर वैल्यू इसका 2, -5/3, ये हमें जो है कोऑर्डिनेट्स किसके हैं यानी P के 2, -5/3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हमें। अब जो है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, वो जो है पहले इसको इरेज करते हैं फिर जो है शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर जो है देखिए, यहां पर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि क्या करना है आपको, सिंपली आपको जो है यहां पर इसका आप उल्टा हो जाएगा, ये हो गया यहां पर m2 वो है 1 और ये सारा ऊपर m1 वो हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर अब ये पॉइंट, तो यहां पर 1+1 2 हो गया, तो यहां पर इस तरीके से इसको करना था। तो यहां पर m1 जो है हमें 2 है, x2 जो है हमें -2 है, प्लस करते हैं m2 जो है हमें 1 है इस केस में, और वहां पर 4
डिवाइड करते हैं यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉमन एम टू, एम टू जो है हमें सॉरी एम वन, एम वन जो है हमें 2 है इंटू वाई टू, ये हो गया इस तरीके से। उसके बाद प्लस एम टू, एम टू जो है यहाँ पर 1 और यहाँ पर वाई वन जो है वो क्या है हमें माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर 1 प्लस 2, ये यहाँ पर 2 2 आर 4 तो -4, यहाँ पर +4 डिवाइड बाय 3 नीचे आ गया, यहाँ पर 2 3 आर 6 -6 प्लस करते हैं यहाँ पर प्लस माइनस हो गया माइनस -1 डिवाइड बाय 3 इस तरीके से। अब यहाँ पर -4 + 4 तो यहाँ पर आ गया हमें 0/3, यहाँ पर -7/3 इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर -7/3 इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या आ गया हमें वैल्यू इसका 0, -7/3 तो यहाँ पर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले 0, -7/3 इस तरीके से जो है यहाँ पर ये करना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यही जो है हमें पॉइंट्स 2 फाइंड आउट करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।